नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल जनरेटर फंडा में स्वागत है। आज हम आए हैं इस डीजी सर्विसिंग, ऑयल फिल्टर्स, डीजल फिल्टर्स वगैरह हम चेंज करेंगे। ये उसका ऑयल फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर है दोनों। ये 125 केवीए का वोल्वो आइसर का जनरेटर है, ये 694 TCI। ये जो ऑयल चैम्बर है, ऑयल चैम्बर का ड्रेन प्लग है। इस ड्रेन प्लग को खोलकर इसमें से ऑयल पूरा ड्रेन कर लेंगे। पूरा ड्रेन हो चुका है। अब ये दो डीजल फिल्टर है, हम डीजल फिल्टर को खोलेंगे। दूसरा है, इसे भी हम लूज कर लेंगे। खोल लिया है हमने फिल्टर को, अभी इस फिल्टर को हम बाहर निकाल लेंगे। हमने इस बाउल में नया फिल्टर को डाल दिया है। जब भी हम इस फिल्टर बॉडी को खोलेंगे, बाउल को, तो इसके अंदर रिंग होता है, रबर का रिंग, यहाँ पर उस रिंग को भी निकालना ज़रूरी है। इस रिंग को हम निकाल कर, ये देखो, ये ऐसी रिंग रहती है। ये रिंग इसलिए रहती है कि बाउल टाइट करने के बाद वहाँ से डीजल लीक ना हो। पुरानी रिंग हमने निकाल ली है, अब ये नई रिंग है, ये हम इसमें फिट कर देंगे। इस दोनों बाउल में हमने फिल्टर चेंज कर लिया है, बाउल रिंग भी चेंज कर ली है। अब हम इस दोनों फिल्टर को टाइट कर लेंगे। आप डीजल डालकर भरकर भी डाल सकते हो, या तो इसको टाइट करने वक्त थोड़ा सा लूज, हल्का सा छोड़कर। ये जो फीड पंप है, इस फीड पंप को खोलकर, इस पंप को मारकर भी आप इसमें से डीजल भर सकते हो। ये दोनों बाउल को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, से रिटाइट कर लेंगे। अभी हमारे दोनों फिल्टर अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। हमने इस डीजी का ऑयल भी ड्रेन कर लिया, दोनों डीजल फिल्टर भी चेंज कर लिए हैं। अब हम उस तरफ जाकर ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। हम ये डीजी का ऑयल फिल्टर है, हम इस ऑयल फिल्टर को भी खोलकर नया ऑयल फिल्टर हम लेकर आए हैं। ये रहा नया ऑयल फिल्टर, हम ये नया ऑयल फिल्टर भी अभी इसमें चेंज कर लेंगे। जब भी इंजन की सर्विसिंग करेंगे हम, तो उसमें ऑयल नया रहेगा। दोनों डीजल फिल्टर नए डालने होंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करना होगा, इसका जो कूलेंट है वो चेक करना होगा, अगर कम है तो उसको टॉपअप करना है। ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, सबसे पहले हम ये स्पेशल टूल्स है ऑयल फिल्टर खोलने के लिए, इसको ऑयल फिल्टर रिमूवल टूल्स बोलते हैं। इस टूल्स की मदद से हम इस ऑयल फिल्टर को खोल लेंगे। हमने इस फिल्टर को अब धीरे धीरे खोल लिया है, हम टूल्स निकाल कर हाथ से खोलेंगे। लूज हो गया ये फिल्टर, हमने पुराना फिल्टर निकाल लिया है। ये नया फिल्टर है, ये नया फिल्टर की रिंग है, हम इस रिंग पर ऑयल लगाएंगे। इस फिल्टर को अब हम फिट कर लेंगे। इस फिल्टर को पहले हम हाथ से ही टाइट करेंगे, पानी का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिल्टर टाइट हो चुका है, फिल्टर अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। अब हम इस इंजन में ऑयल डालेंगे।
ये अवेलेबली 40 ग्रेड का EPA CA4 प्लस। हम इसमें अब ये ऑयल डालेंगे और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो अराउंड अबाउट 20 लीटर्स के आसपास जाता है उसमें ऑयल डालेंगे। हमने इस डीजी में ऑयल डाल दिया है, पिट कर देंगे। अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे इस कैप को। अब हम ये डिप स्टिक से लेवल चेक करेंगे। हमको हाई लेवल से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखना है। इस जनरेटर का सबसे पहले हमने ऑयल ड्रेन किया। ऑयल ड्रेन करने के बाद उसके दोनों डीजल फिल्टर चेंज किए, दोनों डीजल फिल्टर की रिंग चेंज की। उसके बाद हमने उसका ऑयल फिल्टर चेंज किया। ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद हमने उसमें ऑयल फिलअप किया। ऑयल फिलअप करने के बाद अब इस डीजी की हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग हमने कर ली है। अब हम इस डीजी को मैन्युअली एक बार स्टार्ट करेंगे। तो इस डीजी को वोल्वो आइसर है, 125 की भी है। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पैनल सप्लाई को ऑन करना है। इसको ऑन करने से कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। स्टार्ट बटन दबाएंगे तो डीजी स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल फिल्टर भी चेक कर लेंगे। हमारा ऑयल फिल्टर मैकेनिकल पार्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल पार्ट मैकेनिकल मशीन के जो है यहाँ से प्रेशर है।
बटन दबाने से अब ये डीजी स्टॉप हो चुका है। हमने डीजी का सर्विसिंग किया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, 500 हावर्स पे किया जाता है या साल में एक बार। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जनरेटर फंडा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।